टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के मदरसा दारुल फलाह और नदीउल फलाह के फाउंडर मौलाना सुहेब कासमी साहब का कल यानी कि शनिवार शाम में करीब 6:30 के वक्त में इंतकाल हो गया। मौलाना सुहेब कासमी साहब का दीनी तालीम में बड़ा योगदान रहा, साथ ही सामाजिक कामों के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर आगे आए। 58 साल की उम्र में मौलाना सुहेब कासमी साहब के इंतकाल की खबर सुनकर हर कोई गमजदा हो गया। रविवार की सुबह में मौलाना सुहेब कासमी साहब की मिट्टी नदीउल फलाह परिसर में हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जनाजे की नमाज में शामिल हुए। जमीतुल उलमा हिंद के मुमरा कौसा के सदर मौलाना वहाब कासमी ने बताया कि मौलाना सुहेब कासमी साहब मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के लपरी गांव के रहने वाले थे, जो मुमरा के दारुल फलाह मस्जिद में इमामत की और मदरसा दारुल फलाह और नदीउल फलाह की बुनियाद रखी, जिसमें आज हजारों की संख्या में बच्चे दीनी तालीम ले रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र तबलीगी जमात के अहम जिम्मेदार भी थे। मौलाना सुहेब कासमी साहब ने एक मुमरा शहर में ऐसी मस्जिद बनाने की सोची थी जिसमें हजारों की संख्या में लोग नमाज अदा कर सकें। और मौलाना वहाब कासमी ने बताया कि जिस तरह से मौलाना सुहेब कासमी साहब ने हजारों की संख्या में नमाज अदा करने के लिए जो मस्जिद बनाने की सोची थी, वो मस्जिद मुमरा शहर में ज़रूर बनाई जाएगी और इसके लिए ज़मीन भी नदीउल फलाह के पास देख ली गई है। मौलाना सुहेब कासमी साहब को बताया जा रहा है कि 3 साल पहले फालिज का असर हुआ था, मगर शनिवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका इंतकाल हो गया। देखिए, मौलाना सुहेब अहमद साहब कासमी एक नेक आलिम थे, भी इस्तेदार थे, मुतहर्रिक थे और अपने अज़्म के बड़े बुलंद थे। वो तकरीबन 1983 में मुमरा आए और मुमरा की दारुल फलाह की मस्जिद में आपने इमामत के फ़रायद अंजाम दिए। ऐसे नाजुक वक्त में वो इमामत कर रहे थे जब मुक्तदी बहुत कम रहते थे, मौलाना को इंतज़ार करना पड़ता था कि लोग आएँ तो जमात बना ली जाए, लेकिन अल्लाह ने मौलाना को सलाहियत दी थी, ऐसा तकवा दिया था, ऐसा इल्म दिया था कि थोड़े दिनों के अंदर मौलाना ने लोगों को समझा करके अपने बयानों से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से लोगों को ऐसा गर्वीदा बनाया कि थोड़े ही दिनों के अंदर मस्जिद पूरी भरने लगी। और फिर थोड़ा वक्त गुजरा कि लोग ये सोचने लगे काश मौलाना सुहेब साहब के पीछे जुमा हम पढ़ें, उनका बयान सुने। और मुमरा व अतराफ़ के यहाँ तक कि भिवंडी वगैरह से लोग आते थे, मौलाना का बयान सुनते थे। और जुमा में इतनी बड़ी मस्जिद होने के बावजूद भर जाती थी और लोग आते नहीं थे उसमें। तो मौलाना ने खिदमत किया, इस हिसाब से लोग मौलाना को इज्जत देते थे क्योंकि वो नेक इंसान थे। उन्होंने अपनी इज्जत और अपनी मेहनत और अपने इल्म की वजह से बहुत बड़ा काम किया मुमरा के अंदर। उन्होंने दारुल फलाह मदरसे की बुनियाद डाली और अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे में तकरीबन 500 बच्चे पढ़ने लगे और मिशकात शरीफ तक तालीम होने लगी। दारुल उलूम देवबंद जो बच्चे यहाँ से जाते थे जलालैन पढ़ के, मिशकात पढ़ के, उनका अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम में दाखिला हो जाता था और बड़े खुश होते थे। और मौलाना का प्रोग्राम ये था कि इस साल से दारुल फलाह के अंदर बुखारी शरीफ का भी दर्स हो, यानी आलमियत का पूरा कोर्स दारुल फलाह के अंदर किया जाए। और मौलाना ने ऐलान भी कर दिया था, अभी तकरीबन 8-10 दिन पहले मौलाना ने मिशकात शरीफ के इख्तिताम पर ऐलान किया था कि अब यहाँ अगले साल से बुखारी की भी तालीम होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुमरा के अंदर मकातिब में ऐसा नाम पैदा कर दिया और ऐसा काम कर दिया कि लोग दूर दूर से मौलाना के निसाब को ले जाते हैं और अपने मकतब के अंदर मौलाना के निसाब को पढ़ाया जाता है। मौलाना ने बाज़ाब्ता छोटे बच्चों के लिए एक दीनी निसाब बनाया है, वो निसाब तकरीबन मदरसे की दारुल फलाह मदरसे की शाख है जो 400 है पूरे महाराष्ट्र में, 400 शाखों के अंदर वो निसाब चलता है।
और अक्सर व बेशतर मुमरा के अंदर भी मौलाना का निसाब चलता है, जिससे छोटे छोटे बच्चे नमाज रोज़ा अपनी दीन ज़रूरियात को बखूबी जान लेते हैं। ये एक कारनामा मौलाना का था। फिर मौलाना ने असरी तालीम के अंदर अन्नादुल फलाह की बुनियाद रखी। 12 साल के अंदर इतना अच्छा निज़ाम मौलाना ने दीन के साथ दुनियावी तालीम को पिरोया कि 12 साल के अंदर तकरीबन 4,500 बच्चे अन्नादुल फलाह में पढ़ने लगे और उनका लिबास भी इस्लामी और उनकी तालीम भी असरी होने के साथ साथ इस्लामी रहती है। और फिर मौलाना का जो एक इरादा था कि एक बड़ी मस्जिद हो, अल्हम्दुलिल्लाह अन्नादुल फलाह के कैंप्स के अंदर मौलाना ने मस्जिद के लिए जगह मुतय्यन कर दी है। अभी 4-6 दिन पहले मौलाना ने वहाँ मौलाना गए थे और सारी चीज़ें उन्होंने मुतय्यन किया है, तो वो बड़ी सी बड़ी मस्जिद वहाँ उनके ट्रस्टियान इंशाअल्लाह लजीज़ बनाएंगे, जो मौलाना का खौफ इंशाअल्लाह पूरा होगा। कहाँ पर ये ज़मीन है, इसके बाद अन्नादुल फलाह जो है वो शिमला पार्क के पीछे MM वैली के बाजू में है और मदरसे की बाबता रजिस्टर ज़मीन है जो काफ़ी बड़ी ज़मीन है। उसी कैंपस के अंदर मस्जिद बनेगी, बड़ा मदरसा बनेगा और स्कूल बनेगा, यानी मुमरा के बच्चों के लिए बड़ी सहूलत होगी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना सोहेब साहब के ज़रिए से करने वाले थे और इंशाअल्लाह वो होके रहेगा।